हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज पहलाजानी आज आप सब लोगों से बात करूंगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बारे में एज अ पेशेंट एज अ मदर हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम सिजेरियन डिलीवरी के बाद की केयर की बात करें तो हम इसे टू फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक फेज़ कि जब आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको एज अ पेशेंट किन बातों का ध्यान रखना है, और सेकेंड फेज़ जब आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं तब किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो ज़्यादातर केयर हॉस्पिटल स्टाफ हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें खुद ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हॉस्पिटल के रूल्स को फॉलो करिए और विजिटर्स को कम से कम रखिए। खासकर फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपके विजिटर्स कम से कम रहने चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस दौरान मदर को मैक्सिमम रेस्ट की ज़रूरत होती है और बच्चे को भी बाहर के माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इस दौरान अगर मदर अच्छे से रेस्ट करती है, बच्चे को एक प्रॉपर टाइम मिल पाता है, तो बच्चे की रिकवरी और मदर की रिकवरी भी फास्ट होती है। और अगर विजिटर्स ज़्यादा रहेंगे तो मदर के रेस्ट में खलल पड़ता है, बच्चे को भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है जो कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम दे सकता है। सेकेंड, जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टाफ द्वारा इनिशिएट करने पर उन्हें मना ना करें। ये मत बोलिए कि अभी हमें घुट्टी पिलाना है या हमें कुछ रस्म अदायगी करनी है उसके बाद हम लोग ब्रेस्ट फीड कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। ब्रेस्ट फीडिंग और जहाँ तक हो सके डिलीवरी के विद इन 1 to maximum 2 hours के अंदर में इनिशिएट करा देना चाहिए। और जो फर्स्ट चीज़ बच्चे के मुंह में जानी चाहिए वो ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए, ना कि कोई और चीज़ जैसे कि शहद, चाटा या जो भी आप देते हैं, वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा चीज़, अर्ली एम्बुलेशन। स्टाफ अच्छे हॉस्पिटल्स में स्टाफ रिकमेंड करेगा आपको कि 6 to 7 घंटे के बाद कुछ खाना स्टार्ट कर दीजिए, मे बी सेमी सॉलिड्स, और उसके बाद फिर सॉलिड्स भी स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और यूजली 8-10 घंटे के बाद आजकल के टाइम पे एम्बुलेशन भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों में स्टाफ को कोऑपरेट करिए और अपने आप से भी कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें इनिशिएट हो पाएँ। ऐसा करने से रिकवरी भी फास्ट होती है और एक फील गुड फैक्टर आता है। यूजली हॉस्पिटल में 3 to 4 दिन का मैक्सिमम स्टे रहता है, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। अब घर में हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिजेरियन के बाद हमें नींबू नहीं खाना है, दूध नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, या साबुत अनाज नहीं खाना है, फ्रूट्स नहीं खाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जैसे कि एक बैलेंस डाइट होती है कि हमारी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो, फ्रूट्स हो, सैलेड हो, दालें हो, अनाज हो, वो सब होना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ का, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें बाथ लेना चाहिए और स्टिच लाइन पे जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं डॉक्टर के द्वारा उसको फॉलो करें, और डेली हेयर वॉश, हेड वॉश और ब्रशिंग वगैरह में ध्यान रखें। बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क ही ज़रूरी होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करें और कॉन्फिडेंटली करें, बच्चे के बारे में लविंगली सोच करके करें। इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान हो या घबराएं नहीं। और अगर आपको पहले से इस दौरान दिक्कत आ रही है तो अच्छा ये रहेगा कि जब आप हॉस्पिटल स्टे के दौरान ही जब स्टाफ आपको असिस्ट कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो उनसे और चीज़ों को समझें ताकि घर में आने के बाद इसमें कुछ दिक्कत नहीं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्स बराबर से लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस ताकि हमारे जॉइंट्स खुले रहें, वो सब करना चाहिए। और एक जो बहुत कॉमन ट्रेंड है कि माँ और बच्चे की मालिश कराने का, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एज अ मदर अगर आप अपनी मालिश करा रहे हैं ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेट की मालिश नहीं कराना चाहिए, इससे हमारी स्टिच लाइन ख़राब हो सकती है। और अगर हम लोग बच्चे की मालिश करा रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक नाल अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं झड़ जाती है मालिश नहीं करना चाहिए। और जो भी कोई बच्चे की मालिश कर रहा है वो साफ़ सफाई का ध्यान रखे और बहुत ज़्यादा हार्ड मालिश नहीं करे ताकि बच्चे को कोई परेशानी नहीं। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारा ये जो पोस्ट डिलीवरी पीरियड है वो बहुत ही आराम से कट सकता है और हम अपने मदरहुड को भी इंजॉय कर सकते हैं।